हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा ब्लैंकेट। तो पिज़्ज़ा ब्लैंकेट बनाने के लिए ये मैंने बेस ले लिया है और इस पे हम लगाते हैं पिज़्ज़ा सॉस और ये मेयोनीज़ जो बहुत टेस्टी लगती है पिज़्ज़ा सॉस के साथ, तो इसको भी थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको अच्छे से हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, स्प्रेड करेंगे इक्वली अच्छे से। तो चलिए वो करते हैं, अच्छे से मिक्स कर ली और इसको अच्छे स्लो हाथ से इक्वली स्प्रेड करना है लाइक दिस। कर ली, आराम से करिए, इक्वल होना चाहिए तो टेस्ट इक्वल आएगा, अदरवाइज कम ज़्यादा हो जाएगी तो टेस्ट ही नहीं लगता। ये देखिए, ये अच्छे से इक्वली हमने कर दिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे, ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं। और आप भी इसको, ऑप्शनल है, अगर आप स्वीट कॉर्न यूज़ करना चाहें, कैप्सिकम यूज़ करना चाहें, चीज़ यूज़ करना चाहें, जो भी आपका मन करे, बट हम स्वीट कॉर्न यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों के फेवरेट हैं। अगर आप चाहें तो आप मिक्स वेज भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनियन यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ करिए। और ये लीजिए, ये भी हो गया और इसके बाद हम मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे। मोज़रेला चीज़ ये रहा और इसको यूज़ करने से पहले फ्राई पैन में, कढ़ाई में, जो भी आप यूज़ करें उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मोज़रेला चीज़ को अच्छे से मेल्ट करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस रखने के बाद जब आप ब्लैंकेट पिज़्ज़ा टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने से पहले जब आप उसे देखेंगे तो फुल मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी। इसको आराम से सिम पे अच्छे से मेल्ट करिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को भी, बट इतने टेस्टी पिज़्ज़ा के लिए इतना तो बनता है। तो चलिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, देखिए थोड़ा सा हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको सिम पर छोड़ देते हैं जब तक कि अपने आप होता है। ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। तो चलिए अब हम लेते हैं दूसरा फ्राई पैन। ये डन, दूसरा फ्राई पैन हमने ले लिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा बटर ऑलरेडी डाल रखा है और इसके अंदर हम रखेंगे पिज़्ज़ा बेस जो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मोज़रेला चीज़ जो हमने मेल्ट करके रखा था अच्छे से, उसको इसके ऊपर हमें ऐड करना है। तो चलिए अब उसे ऐड करते हैं। ये रहा हमारा चीज़ और ये रहा हमारा ब्लैंकेट पिज़्ज़ा। बन गया, यस फाइनली बन गया। और ये बहुत टेस्टी लगता है, इसमें मोज़रेला चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा जाता है, तभी ये ब्लैंकेट पिज़्ज़ा रहता है, मतलब ऑसम। बहुत देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब ये 99% डन हो गया। अभी इसको थोड़ा सा जहाँ पे रह रहा था स्वीट कॉर्न दिख रहे थे तो वहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है। और उसके बाद इसको 2-3 सेकंड्स के लिए हम रख देंगे, जो इसका साइड का है वो थोड़ा क्रंची हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। और ये अब हमारा 100% डन। तो चलिए अब इसको, हमने इतनी मेहनत करके जो बना लिया है, अब इसको सर्व करते हैं। ओके, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, जो हम मार्केट में खाते हैं उससे भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है मुझे। बाकी अभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसा बना है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई पैन में से निकाल लेते हैं। ये माइक्रोवेव में भी बन सकता है, बट माइक्रोवेव अभी जो है वो हमारे न्यू वाले घर में है और हम अभी पुराने वाले में हैं, तो बट पिज़्ज़ा तो बनाना है ना, तो इसीलिए। चलिए अब इसको करते हैं। ये ले लिया है मैंने चॉपिंग बोर्ड और उस पे अब पिज़्ज़ा को निकालते हैं आराम से, बड़े प्यार से, जिससे ये टूटे ना आराम से। यस, ये हमने आराम से निकाल लिया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया और जितने स्लाइस करना चाहें, 4-6, तो 6 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे इसके, नहीं 8 हो जाएंगे, 8 स्लाइस, बट हमारा 4 में इनफ है। और उसके ऊपर मैंने ये स्प्रिंकल करा है रेड चिल्ली फ्लेक्स
ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, अदरवाइज़ नहीं। और उसके बाद ये सीजनिंग है, पिज़्ज़ा सीजनिंग जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं और आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नहीं अभी एंड नहीं करते, अभी इसको कट करने के बाद अभी हम पिज़्ज़ा प्लेट में इसको सर्व करते हैं, क्योंकि अभी ये घर में टेस्ट करके बताया जाएगा कि कैसा बना है। तो सारे पॉइंट्स तो मुझे वहीं से मिलने वाले हैं, मोटिवेशन। तो यस, देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय, टाइम टू पिज़्ज़ा पार्टी, यस यस यस। बाय करने के बाद भी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि मेन जो टेस्ट है, टेक्सचर है, वो यहीं से आएगा। यस, ये देखिए, वाव, होममेड, होममेड ही होता है। यस, चलिए फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न चाट, बटर स्वीट कॉर्न और पेरी पेरी स्वीट कॉर्न। और ये तीन बनाने के लिए हमें जो स्वीट कॉर्न की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो वो मैंने ले ली है। और उसको अच्छे से कर लेंगे वॉश, और वॉश करने के बाद हमें इसको उबलने रखना है, जो मैंने रख दिया। और इसके अंदर उबलते टाइम हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और इसको 5-10 मिनट के लिए हम उबलने के लिए रख देंगे। आप ये देखिए, ये अच्छे से उबल गए हैं, और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं चेक। अगर आप इसको दबा के देखेंगे तो ये बहुत ही इजीली दब जाएगा, मीनिंग ये बन चुके हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं बटर स्वीट कॉर्न। तो उसके लिए मैंने 1 चमचा और 2 चमचे, मीनिंग जितने आपको क्वांटिटी चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने कम लिए हैं, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, क्योंकि विंटर है तो ये बहुत ज़्यादा ही जमा हुआ होता है, तो वो इजीली मेल्ट नहीं होगा। स्वीट कॉर्न गर्म है बट उसके बाद भी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ही कम डालना है, क्योंकि हमने उबलते टाइम भी इसमें यूज़ करा था। और थोड़ी सी काली मिर्च, तो हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, अच्छे से मिक्स भी कर लिया हमने इसको। और अब हम इसको करते हैं सर्व। सर्व करने के लिए मैंने लिया है 1 कुल्लड़। अगर आप लेना चाहें तो जो डिस्पोजेबल कप आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, बट मैंने कुल्लड़ लिया है कांच का, तो इसमें जो लुक है वो और अच्छा आएगा। और इसको अच्छे से ऊपर तक फुल कर लेना है, और ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। और ये क्विक रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इनको अच्छे से हम ऊपर तक फुल कर लेंगे, जितने बने हैं ना सब इसमें ऐड कर लेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद हमें दूसरी बनाने हैं, तो ये देखिए मैं इसको कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। और ये जब ऊपर तक आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मीनिंग ये फुल प्लेट। तो ये बिल्कुल डन हो गया है हमारा बटर स्वीट कॉर्न, टेस्टी, डिलीशियस, टैम्पटिंग। तो अब हम इसको कर देते हैं साइड पर, और उसके बाद मैं वही बाउल यूज़ कर रही हूँ, और उसके अंदर मैंने ऐड कर लिए हैं स्वीट कॉर्न। और अब हमें बनाना है पेरी पेरी, और जो पेरी पेरी होता है ना वो बहुत ही स्पाइसी लगता है, बहुत ही रेड रेड होता है देखने में, और ऐसा लगता है कितना स्पाइसी, बट ऐसा नहीं होता। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे रेड चिल्ली पाउडर। ये देखने में कितना रेड लग रहा है ना, बट अभी तो इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ डालना है। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर सॉल्ट,
और सेकंड जो बना रहे हैं हम बना रहे हैं पेरी पेरी स्वीट कॉर्न, तो उसके अंदर हमें ऐड करना होगा पेरी पेरी मसाला जो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, वो मैं मार्केट से ले आई और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसी के साथ हमें ऐड करना है इसके अंदर बटर, बटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारे रेडी हो गए पेरी पेरी स्वीट कॉर्न जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, मीनिंग आजकल इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत फेमस है। तो इसको भी आप घर में बना के खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की नीड नहीं रहेगी और बच्चे इजीली खा भी लेंगे और आपको पता होगा कि आपने बच्चों को क्या खिलाया है। तो इजी भी है और जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्टी भी है। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं फटाफट से इसमें सर्व। इन सब को उसके अंदर पूरा ऊपर तक हम कर लेंगे ऐड। और अब हमारा एक और स्वीट कॉर्न चाट जो हम फटाफट से बना लेते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम इसको भी कर देते हैं साइड पर और ये देखिए हमारा पेरी पेरी स्वीट कॉर्न बिल्कुल रेडी है। और अब हम बनाते हैं लास्ट नॉट लीस्ट स्वीट कॉर्न चाट और उसके लिए हमने ले लिए स्वीट कॉर्न और फाइन चॉप करी हुई ऑनियन, मैंने पहले ही करके रखी थी वो ले ली है, और थोड़ी सी हरी मिर्च, दो हरी मिर्च मैंने चॉप करी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और ये ले लिया मैंने बटर, बटर को भी हम इसके अंदर करेंगे ऐड और उसी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट। और ये मैंने इसके अंदर ऐड करी है टमाटर और लाल मिर्च की चटनी मैंने बना के रखी थी, और आप इसकी जगह टमाटो केचप या ग्रीन जो चटनी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और उसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे मेयोनीज, ये एगलेस मेयोनीज है, हम यही यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। मार्केट में ये ऐड करके ही दी जाती है बट ये सीक्रेट होता है, किसी को नहीं पता होता कि इसमें मेयोनीज भी ऐड है, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको भी ट्राई करिए। ये तीन चाट हमें बना ली है, एक बटर बटर स्वीट कॉर्न, एक पेरी पेरी स्वीट कॉर्न और एक मसाला स्वीट कॉर्न। तो आपको जौन सी पसंद है आप वो बनाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है। और एंड में हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे धनिया और लेमन, ऑप्शनल है अगर आप यूज़ करना चाहें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पेरी पेरी मसाला भी है वो भी थोड़ा टैंगी होता है, और जो मैंने सॉस डाली है वो भी टैंगी है, और जो मैंने इसके ऊपर भुजिया स्प्रिंकल की है वो भी लेमन वाली है। नींबू की जो आलू भुजिया आती है वो तो ये सार ऑलरेडी काफ़ी टैंगी है, इसलिए मैंने लेमन का यूज़ नहीं करा, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसको भी हम कर लेते हैं इस कुल्हड़ में सर्व, और ये बहुत ही मतलब डिलीशियस लग रही है, टैम्पटिंग लग रही है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय। बटर स्वीट कॉर्न, पेरी पेरी स्वीट कॉर्न, मसाला स्वीट कॉर्न चाट, एंजॉय 3 चाट इन 1 टाइम।